मैडम हम लोग युवा हैं और मैं पूछना चाहता हूँ यहीं के विधायक सपा के दुर्गा यादव हैं, परिवहन मंत्री थे और आज भी आरटीओ परिवहन मंत्री होने के बाद ही किराए के मकान में चलता था, यही विकास है सपा का, आतंक अगर बना करके रख देते लोग। ये समाजवादी पार्टी के इनसे पूछे गुंडा पाल करके रखते हैं, इनकी सरकार में कोई कब घर से निकलता है तो कब मोटरसाइकिल छिन जाएगी, कब मर्डर होगा इसका कोई पता नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ कि दुनिया के इतिहास में पहली बार एक विधायक को 600 गोलियां मारी गई थी और उसका पोस्टमार्टम में 65 गोली निकली थी, उसके आरोपी के कब्र पर जागेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष फतवा पढ़ रहे थे, इसको शर्म आती है कि नहीं? वो आजमगढ़ की पहचान मुलायम सिंह यादव से बता करके आजमगढ़ के वासियों की बेइज्जती क्यों करते हैं, वो अपनी चमचागिरी की बात करके। समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज एक मस्त डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूँ, वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों आज की डिबेट में आप लोग देखने वाले हैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को जनता ने कैसे भयंकर बैंड बजाया है। दोस्तों आज की डिबेट में आजमगढ़ की जनता ने समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव की पोल खोल दी। जनता इतनी कड़वा सवाल पूछे, एक भी जवाब ठीक से नहीं दे पाया भदौरिया जी। दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही फनी और मजेदार होने वाली है, अंत तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की जब जब बात होती है तो योगी राज में कानून व्यवस्था की भी बात होती है। हाँ। क्या वजह है? हाँ। कि आप लोगों को बार बार अफजाल अंसारी को टिकट देना पड़ता है। हाँ। कभी बीएसपी से चुनाव लड़ता है, अब इस बार समाजवादी पार्टी से आपने उनको टिकट दे दिया है। हाँ। गाजीपुर आज मैं गई थी और लोग कह रहे हैं कि कलम और कट्टे के बीच की जंग है, बीजेपी के उम्मीदवार वहां पर लेखक है। इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या माफिया को पालने पोसने की बीमारी समाजवादी पार्टी की जाएगी नहीं? मैं अंजना जी एक सीधा सवाल पूछता हूँ, आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दी है या जो विधायक भारतीय जनता, कितने परसेंट है जिन पे आपराधिक मुकदमे? ये जवाब है, मैं बता, अफजाल अंसारी पे जवाब दीजिए। अफजाल अंसारी पे कौन सा, सुने कौन सा आपराधिक मुकदमा, जरा आप बताइए ना, किसी को भी अपराध, सुनिए पुलिस बोल देगी अपराधी है, भारतीय जनता पार्टी पे महिलाओं का आरोप लगेगा, पहलवान महिलाएं घसीटी गई हैं, आरोप लगाए, क्या क्या भारतीय जनता पार्टी ने, पूछना चाहता हूँ क्या क्या भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो आज जेल में गया है जिस पे रेप का मुकदमा है, क्या क्या भारतीय जनता पार्टी ने? ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने का बात करती है अंजना जी, और ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे, ये वो पार्टी है जिन्होंने भ्रष्टाचार का नारा दिया और सारे भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया। किसको इन्होंने शामिल नहीं किया? अजीत पवार पे इन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार है, उसके बाद अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। ये बोलोगे जो भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेके बोलते पाक साहब, ये परिवारवाद की बात करेंगे, पूरी की पूरी पार्टी परिवारवादी पार्टियों से भरी पड़ी है। इनसे पूछे, आदरणीय कल्याण सिंह के बेटा भी है, पोता भी मंत्री है, बताइए आप है कि नहीं है? बताइए राजनाथ सिंह का बेटा यहाँ पे एमएलए है कि नहीं है? बताइए अनुराग ठाकुर पिताजी चीफ मिनिस्टर थे कि नहीं थे? और आपके बगल में खड़े राजवर जी को एक सीट मिली है, वो भी अपने बेटे को दे दिया, राजवर जी ने अपने बेटे को, ये परिवारवाद की बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी। रुक तेरे को बताते तेरी। मैडम हम लोग युवा हैं और मैं पूछना चाहता हूँ कि यहीं के विधायक सपा के दुर्गा यादव हैं, परिवहन मंत्री थे और आज भी आरटीओ परिवहन मंत्री होने के बाद भी किराए के मकान में चलता था, यही विकास है सपा का, आतंक का घर बना करके रख दिए थे लोग। सुनिए झूठा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, कौन है ये लोग? वादे पे सब लूट लिया, महंगाई अब इनके पास कुछ बचा नहीं, गाना है अनुराग जी, बिन दूल्हे की बारात लेके कहां तक जाएंगे, बिन दूल्हे की बारात लेके कहां तक जाएंगे, झूठ बिना है तेरा बिना दूल्हे की बारात है तेरा वादा, इनके वादों पे कौन इंतजार करेगा, दूल्हे की बारात है, वादे करने वाले लोग सिर्फ इंतजार करने के लिए कहते हैं वादा, झूठे वादे अंजना जी, झूठे वादे, बिन दूल्हे की बारात लेके चलने वाले लोग हैं, मगर आज बिना दूल्हे की बारात कैसी होती है, यूनिवर्सिटी समाजवादी होता है। मैं समाजवादी से ये पूछना चाहती हूँ कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो लोग आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर हमारे घर के पास एक कोचिंग है जो शाम 6 बजे बंद हो जाती थी, लेकिन जब से निरहुआ जी दिनेश लाल यादव जी को बनाया गया है सांसद यहाँ से, वो कोचिंग आज 9 बजे रात तक खुली रहती है, आज तक यहाँ पे लड़कियों बेटियों महुआ की क्या जरूरत है? एक साथ जवाब दीजिए। मेरा सवाल सपा के प्रवक्ता से है, क्या पश्चिम से प्रत्याशी भी आया, पश्चिम से ही प्रवक्ता की भी जरूरत पड़ी, यहाँ कोई सपा का बोलने वाला नहीं था? ये समाजवादी पार्टी के इनसे पूछे गुंडा पाल करके रखते हैं, इनकी अच्छा। सरकार में कोई कब घर से निकलता है तो कब मोटरसाइकिल छिन जाएगी, कब मर्डर होगा इसका कोई पता नहीं। आजमगढ़ में बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर समेत पांच पांच विधायक हैं, और जब सवाल है नहीं है
जब यहाँ शिक्षा मंत्री थे उसके बावजूद भी विश्वविद्यालय को बलिया भेज दिए, अब मोदी योगी की सरकार ने विश्वविद्यालय आजमगढ़ में बना दिया तो ये विश्वविद्यालय भी नहीं दे पाए। ये कुछ नहीं किए युवाओं को, जब बाहर युवा जाते थे तो युवाओं की पहचान आजमगढ़ के नाम पर होटलों से भगा दिया जाता था, लेकिन आज युवा आजमगढ़ के जाकर के आराम से दूसरे जिलों में रह रहे हैं। अनुराग जी, प्रश्न ये था कि आजमगढ़ को आतंक का गढ़ बनाया, वो कह रहे हैं होटल में जाते थे तो कमरा लोग नहीं देते थे, जानते थे कि आजमगढ़ के हैं तो। अरे वो उनकी बात है, आप जानते हो, जनता का सवाल है कि बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं, बताइए आप लोग, बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं, बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं, बेरोजगार मिल रहा, खड़े हो ये बुराई, बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं, ये बेरोजगारी मुद्दा जिस पे आप बात नहीं करना चाहते, महंगाई मुद्दा है कि नहीं, बताइए आप, ये देखिए महंगाई मुद्दा जिस पे आप बोलना नहीं चाहते, अपने मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ, बताइए आप, बेटियों के साथ अन्याय हुआ, आप बात नहीं करना चाहते, बेरोजगारी, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि यहां 5 साल मुलायम सिंह सांसद थे, एक दिन नहीं आए, अखिलेश सिंह 3.5 साल सांसद थे, एक दिन नहीं आए, उन लोगों ने सांसद रहते हुए आजमगढ़ की जनता के लिए क्या किया, बताइए आप, आजमगढ़ में आज जो 2017 के पहले का, 2017 के पहले का इनका नारा था, जो जमीन खाली वो जमीन हमारी, ये बताऊं, और दूसरी बात जो, और इसके बाद भदौरिया जी अच्छा गाना गा रहे हैं, इनका अब इधर से सवाल लेते हैं, जवाब दीजिए, देखिए वो कह रहे पहले आपका नारा था समाजवादी पार्टी का, जो जमीन खाली वो जमीन हमारी, वो भारतीय जनता पार्टी का है, वो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, भारतीय जनता पार्टी का नारा है, जो जमीन खाली उसमें भारतीय जनता पार्टी हमारी है, भारतीय जनता पार्टी ना रोजगार पे बोलेंगे अंजना जी, ना महंगाई पे बोलेंगे, अंजना जी कमाल की बात देखिए, बीजेपी के लोग ना महंगाई पे बोलना चाहते है, सांप सूंघ जाता इनको, ना बेरोजगारी पे बोलना चाहते, सांप सुन जाता इनको, ना बीएचयू की घटना पे बोलना चाहते, जो हमारी बेटी थी, वो हमारी बेटी थी जिसपे अन्याय करने वाले बीजेपी के आईटी सेल के लोग पकड़े गए थे, याद है आपको, ये भारतीय जनता पार्टी है। और बात करेंगे महिला, मेरा प्रश्न समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भदौरिया जी से है, केवल एक प्रश्न पूछूंगा, कि अभी इनके एक प्रवक्ता कह रहे थे यह देश जितना भगत सिंह का है उतना बिस्मिल्ला खां का, उतना मुख्तार अंसारी का भी है, मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि दुनिया के इतिहास में पहली बार एक विधायक को 600 गोलियां मारी गई थी और उसके पोस्टमार्टम में 65 गोली निकली थी, उसके आरोपी के कब्र पर जाके इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष फतवा पढ़ रहे थे, इनको शर्म आती है कि नहीं। समाजवादी पार्टी के भदौरिया साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जब से इनकी पार्टी बनी है केवल यादव को अध्यक्ष बनाते, कभी मुसलमान को नहीं बनाए, गुड्डू चंपाली को क्यों नहीं लोकसभा देने का काम किए, बैठा के उनके अपने लोकसभा जीतने का। देखिए भारतीय जनता पार्टी को जब चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान दिखेगा, सिख ईसाई धर्म दिखेगा, न ये रोजगार पे बात करेंगे, न विकास पे बात करेंगे, इनको आजमगढ़ में जनता एक भी वोट देने वाली नहीं है, क्योंकि सारा काम माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव ने करके काम किया है आजमगढ़ के एक एक ईंट पे। नाम रुको जरा, सबर करो, अगर लिखा है मैं यहाँ से सपा प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ, 5 साल से विधायक रह चुके हैं दुर्गा यादव और अखिलेश यादव सांसद रहे, यहाँ के लिए इंडस्ट्रियल एरिया क्यों नहीं खोले, यहाँ के युवा हमेशा बेरोजगारी के लिए बॉम्बे दिल्ली सब जगह कमाने जा रहे हैं। मेरा सवाल अनुराग भदौरिया जी से है, ये आजमगढ़ महर्षि दुर्वासा दत्तात्रेय की धरती है, ये सवाल क्या है, सवाल है कि वो आजमगढ़ की पहचान मुलायम सिंह यादव से बता करके आजमगढ़ के वासियों की बेइज्जती क्यों करते हैं, वो अपनी चमचागिरी की हद पार करके महर्षि दुर्वासा और दत्तात्रेय की धरती को ये यही बात है। क्या माफियाओं के सहारे से पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की हवा बनाने निकले हैं, माफियाओं पर बाजी लगा रहे हैं, पार्टी माफियाओं की है, माफिया पार्टी है, झूठ बोलती है, समाजवादी विकास काम करने वाली पार्टी है, इसलिए समाजवादी को बोलते काम बोलता है, मेरा विकास का काम बोलता है, जो आपकी आजमगढ़ में बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास का आजमगढ़ नहीं हुआ है, ये झूठ बोलते हैं, योगी जी की नीतियां लेके जा रही है,
आप बताइए, जितने मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में खुल रहे हैं, जितने विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, जितने एयरपोर्ट बन रहे हैं, इनको दिखाई भी नहीं दे रहा है। विकास करना था तो इसी कमरे में बैठ के विकास कर रहे थे, आजमगढ़ नजर नहीं आया। आप आजमगढ़ में वोट मांगने आ रहे हैं, हमको वोट भी जाए, हमने मोर्चा संभालिए। 80 सीटों पर हम जीतेंगे, आप ये दम भर रहे हैं, लेकिन क्या ये चैलेंज नहीं होगा? आजमगढ़, कन्नौज, मैनपुरी जो गढ़ है समाजवादी पार्टी के, या अमेठी, रायबरेली, जहां पर कांग्रेस अपना दम भरती है, 80 कैसे? माननीय मोदी जी की गारंटी, माननीय मोदी जी के गारंटी की योजना, आज जब कभी कांग्रेस की पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो भेदभाव होता था। आज मोदी जी की सरकार के कारण उनकी जितनी भी योजनाएं हैं, गरीब कल्याण योजनाएं हैं, उन योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहती कि अगड़ों का है, ये पिछड़ों का है, अल्पसंख्यक का है, ये केवल बांटने का काम करते हैं। और मोदी जी की योजना के कारण आज उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट और आजमगढ़ में हमने जीत कर दिखाया है। मैंने पहले भी कहा था अंजना जी, ये अब समाजवादी पार्टी के जुमले से नहीं, समाजवादी पार्टी के ठगने में आने वाले लोग नहीं है। आजमगढ़ की जनता जानती है और आजमगढ़ की पहचान को बदलने का कई लोग काम किए थे और आजमगढ़ को विकास के रास्ते पे ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इस देश का सम्मान बढ़ाया है, इस प्रदेश का सम्मान बढ़ाया। केवल ये लोग लूटने का काम किए हैं। अब ऐसे भ्रष्टाचारियों को इस देश की जनता माफ नहीं करेगी। मजा आया। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सियाराम।